Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I will teach you maths of class 7th. And today we continue chapter 2, fractions. And today we do exercise 2.2, part 2. So see, this is your maths book, maths of class 7. And open. Exercise 2.2, page number 19. आज हम इस एक्सरसाइज में बच्चों पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ. देखिए बच्चों, ए पार्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5 ऑफ 35. बच्चों जहाँ पे भी ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे. और फिर ये क्वेश्चन देखिए इनकी तरह बन जाएगा, जिसे इसमें मल्टीप्लाई लिखा हुआ है इसी तरह से. और फिर जिस तरह से हमने इनको सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं. सी इन दिस कॉपी एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट है बच्चों 4/5 ऑफ 35. इसी के आगे देखिए यहाँ पे एक को लगा देंगे हम. पहले हम इसी फ्रैक्शन को लिखेंगे 4/5. अब ऑफ को हटाना है. अभी मैंने आपको बताया कि 4 के प्लेस पर क्या लगाना है, मल्टीप्लाई. तो हम 4 की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और आगे का नंबर हम इसी तरह सेम लिख देंगे. अब देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसी की तरह बन गया. तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे. देखिए अब 5 से हम 4 को कट करेंगे या फिर 35 को. तो 5 के टेबल में बच्चों 4 तो नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में हम 35 कट कर सकते हैं. तो 5 से हम 35 को कट करेंगे. 5 7 जा 35. तो इसे कट करके हम 7 लिख देंगे. अब 4 × 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 7 जा 28. तो हम आंसर में लिखेंगे 28. दिस इज द आंसर. इसी तरह से देखिए बी पार्ट 2/3 ऑफ 27. बच्चों ये 27 है, ये 2 की लाइन में ही आपको लिखना है. ये होल नंबर है, ये हमारा ऊपर का नंबर है, उसी के सामने उसी लाइन में ही लिखना है, नीचे नहीं लिखेंगे. एक पर लगा देंगे हम. पहले हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 2/3 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई. देखिए हमने ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगा दिया. अब ये जो नंबर है 27, ये 2 की लाइन में हम यहाँ पर लिखेंगे. देखो सबको सेम हो गया. अब हम 3 साथ 3 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों. 3 के टेबल में 2 आता है नहीं. अब 3 के टेबल से हम इसे कट करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे. कट करने का मतलब बच्चों डिवाइड ही होता है. तो 3 के टेबल में 27 आता है. 3 9 जा 27. तो 3 से हम इसे कट करके यहाँ 9 लिख देंगे. अब देखो ये तो नंबर ख़त्म हो गया नीचे का. अब ऊपर बचा 2 × 9 यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 9 जा 18. तो एक को लगाइए यहाँ और यहाँ लिखेंगे हम 18. सो दिस इज द आंसर. इसी तरह से देखिए सी पार्ट 3/4 ऑफ 20. बिल्कुल सेम करना है बच्चों. एक को लगाएंगे हम. पहले आप ये इस फ्रैक्शन को यहाँ पर लिखिए 3/4 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा 20 का 20. अब देखिए 4 के टेबल में 3 आता है नहीं आता, 20 आता है यस आता है. तो 4 से हम 20 को कट कर देंगे. कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों? 5 टाइम्स.
तो यहाँ 5 लिख देंगे हम। कट करके आपको ये नंबर भी लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कट तो कर देते हैं लेकिन ये नंबर नहीं लिखते। बच्चों कट करने के बाद ये नंबर भी लिखना है कि आपने टेबल कितने टाइम्स पढ़ा है, तभी तो पता चलेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे, 3 5 15। तो यहाँ नीचे इक्वल लगाइए और यहाँ लिख दीजिए 15। सो दिस इज द आंसर। चलिए एक और देखिए, डी पार्ट। 9/20 ऑफ 100। तो पहले इक्वल लगाएंगे इसी के सामने बच्चों। 9/20 लिखेंगे हम, फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 100। देखो बच्चों, जब नीचे भी जीरो है और ऊपर किसी भी नंबर में जीरो है तो हम एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे। यहाँ पे एक जीरो है तो इसे हमने कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे एक जीरो और होता तो उस जीरो से हम फिर ये जीरो भी हम कट कर देते, लेकिन हमारे पास तो एक ही है तो हम सिर्फ एक ही जीरो कट करेंगे बस। अब देखो यहाँ बचा 2। अब 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता। अब ये बचा है 10, तो 10 तो आता है, तो 2 से 10 को कट करेंगे 5 टाइम्स। अब 9 × 5, तो 9 × 5 = 45 मल्टीप्लाई करके कर लिख देंगे हम यहाँ 45। दिस इज द आंसर। तो इसी तरह से बच्चों बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं ई एंड एफ, ये आप अपने आप करेंगे। आप अपनी नोटबुक में सभी पार्ट्स करेंगे, कोई पार्ट्स आपको लेफ्ट नहीं करना है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। 4 में क्या करना है बच्चों, देखिए बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मतलब हमें इनके आंसर ही निकालने हैं। बिल्कुल देखो इसकी तरह सेम है, इसमें भी ऑफ लिखा हुआ है, बस इसमें क्या क्या है बच्चों, यूनिट साथ में लिखी हुई है, जैसे लीटर, रुपीस, केजी, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, बस इन्होंने नंबर के साथ यूनिट लिख दी है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हमें तो सिर्फ नंबर देखना है। तो जो यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है, ये वही यूनिट हम अपने आंसर में लिख देंगे। बाकी हम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम उसी तरह से करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट, इसमें लिखा हुआ है बच्चों 3/16 ऑफ 48 लीटर्स। देखिए इक्वल लगाएंगे हम, बिल्कुल सेम करना है। पहले ये लिखेंगे फ्रैक्शन 3/16 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर 48। अब हम लीटर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लास्ट में आंसर लिखेंगे। ओके, देखिए 16 से 48 कट जाएगा 3 टाइम, 16 × 3 = 48। अब 3 × 3 = 9, तो यहाँ जाएगा 9। अब ये आंसर है, अब हम यहाँ पर ये यूनिट हम यहाँ लिख देंगे लीटर्स, 9 लीटर्स। दिस इज द आंसर। तो समझ में आ गया बच्चों आपको, इसी तरह से हमें करना है। बी पार्ट देखिए इसका, इसमें है 3/15 ऑफ 120 रुपीज। इक्वल लगा दीजिए बिल्कुल इसी के आगे बच्चों। पहले ये फ्रैक्शन निकली, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ऑफ हटा देंगे तो मल्टीप्लाई और ये नंबर लिख देंगे बस, ये रुपीज़ हमें यहाँ नहीं लिखना है। अब देखिए 15 की टेबल में 120 आता है, 15 × 8 = 120। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, तो 3 × 8 = 24।
अब यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ, ये रुपीज़ अब हम आंसर में लिखेंगे, रुपीज़, दिस इज द आंसर, इस तरह से। बस इस यूनिट को हमें आंसर में यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। यहाँ हम सिंपल इसी तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था। देखिए सी पार्ट, 5/11 ऑफ 330 kg, इसको लगा दीजिए इसी के आगे। पहले हम ये फ्रैक्शन लिखेंगे बच्चों, अब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सिर्फ नंबर लिखना है आपको, केजी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। देखिए 11 के टेबल में 33 आता है, 11 3 जा 33, और ये ज़ीरो ऊपर आ जाएगा 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 150। अब ये केजी हम यहाँ आंसर में लिख देंगे इस तरह से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, डी पार्ट कि 9/18 ऑफ 90 meters, इक्को लगाएंगे सबसे पहले हम बच्चों, पहले ये फ्रैक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लाई 90। अब देखिए 18 के टेबल में 90 आता है, 18 5 जा 90, अब 5 9 5 जा 45, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मीटर हम यहाँ लिखेंगे, सो दिस इज द आंसर। इसे जिस तरह से बच्चे मैंने ए से लेकर जी तक किया है, इसी तरह से आपके ई और एफ पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, ये पार्ट आप अपने आप करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको अपनी नोटबुक में सभी पार्ट्स करने हैं बच्चों, कोई भी पार्ट्स आप लेफ्ट नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी पार्ट्स आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सो एक्सरसाइज 2.2 इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।